Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me कितनी ज़्यादा सेक्सी लग रही है यार। अभी मेरा सैंडविच बन जाता। एंड ये देखो भाई क्या हाल हुआ पड़ा अपने बाइक का। एक भी आंसर सही नहीं था पिछले वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन से आंसर की बात कर रहा हूँ। सो जिन लोगों ने भी भाई कमेंट किया है उनको पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में ये पूछा था कि मैं रोड ट्रिप पे कहाँ जा रहा हूँ। एंड एक हिंट भी दिया था कि वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन्स होंगे। तो भाई कोई कह रहा है नेपाल, कोई कह रहा है लद्दाख, कोई कह रहा है मनाली। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ उसे भाई बहुत लोग अनटच ब्यूटी कहते हैं। तो भाई वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। एंड मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। एंड अगर बात करें रोड ट्रिप की, तो आप लोग जानते हो कि रोड ट्रिप पे भाई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने पड़ती है। एंड एसेसरीज भी भाई बहुत सारी लेनी पड़ती है। एंड मैं जाऊंगा तो भाई R15M पे जाऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि आप अपनी R15 को कहीं दूर लेके जाओ। सो भाई वो दिन आने वाला है, मतलब जल्द ही आने वाला है। एंड प्रिपरेशन भाई स्टार्ट हो चुकी है एंड एसेसरीज भी मेरे पास आ रही हैं धीरे धीरे। फिलहाल अभी मेरे पास सिर्फ 2 एसेसरीज है एंड उसको भी आज लोड करवाएंगे अपनी बाइक के ऊपर। एंड एसेसरीज दिखाने से पहले बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि आपका व्लॉग डेली नहीं आ रहा है। सो भाई अभी मैंने जस्ट स्टार्टअप किया, अपना एक बिजनेस खोला है। एंड आप लोग जानते हो कि बिजनेस का इनिशियल स्टेज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर अभी मैंने ध्यान नहीं दिया अपने बिजनेस पे तो मैं उसको ग्रो नहीं कर पाऊंगा। सो इसीलिए अभी भाई यूट्यूब थोड़ा सा डाउन है एंड अपना बिजनेस अभी भाई उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। सो जिनको भी इंटरेस्ट है कि मैंने कौन सा बिजनेस खोला एंड कौन सा स्टार्टअप किया, वो मेरे बिजनेस वाले इंस्टाग्राम पेज पर आप लोग जाके देख सकते हो। चलो भाई मेरे सामने ही एसेसरीज पड़ी हुई है एंड उसको भी खोलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। सो भाई ये है वो एसेसरीज जिसके बिना भाई रोड ट्रिप बिल्कुल अधूरी है। एंड दिस इज दी HJG आउल फॉग लैम्प। एंड ये जो भाई फॉग लैम्प है ये मुझे भेजी है दर्पण सरवन स्टोर ने। सो यस, दिस इज दी फर्स्ट स्पॉन्सर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब जर्नी एंड उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज अगर आप लोग मुझे इतना प्यार नहीं दिखाते सो भाई ये मुझे स्पॉन्सर नहीं हो पाता। अगर आपको किसी भी बाइक का कोई भी एसेसरी सही होगा सो जस्ट गो टू द इंस्टाग्राम एंड सर्च दर्पण सरवन स्टोर, बिकॉज उनके पास भाई इतनी सारी एसेसरीज है, मतलब आपने देखी भी नहीं होंगी ऐसी सारी एसेसरीज आई हुई है। मतलब R15M हो या पल्सर हो या बुलेट हो, हर तरह की एसेसरीज उनके पास है। एंड ये जो भाई HJG का आउल फॉग लैम्प है ये स्पेशली बनाई था R15M के लिए। सो थैंक यू दर्पण सरवन स्टोर फॉर सेंडिंग में दिस। सो इसको मैंने पहले से खोल के रखा था इसलिए इसका ये हाल है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए इसको मैंने फिर से अंदर डाल दिया था। मैं इसको अनरैप करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। लाला लली लाला ला। सो भाई देखो कितने क्यूट है एंड इनके साइज पे मत जाना। दिस इज द बेस्ट फॉग लैम्प फॉर द R15M एंड भाई रोड ट्रिप पे मैं इसके बिना नहीं निकल सकता। ला 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 ली ला ला ला। सो भाई अपने पास आ चुका है फाइनली एक्सोर का इरिडियम वाइजर। मुझे भाई कहीं पे भी नहीं मिला था, किसी स्टोर पे नहीं। सो मुझे लास्ट में एक्सोर के साइट पे ही जाके इसको ऑर्डर करना पड़ा। एंड ये वाला जो मेरा हेलमेट है, मेरा मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट, यही पहन के मैं जाने वाला हूँ रोड ट्रिप पे। सो भाई ट्रांसपेरेंट तो भाई दिन में नहीं चलेगा, सर पे धूप रहती है तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक होता है। सो मैंने इसीलिए इसको मंगवा लिया एंड नॉर्मल वाइजर नहीं मंगवाया, इरिडियम वाइजर मंगाया। सो चलो पहले इसको अनरैप कर लेते हैं एंड इस पर लगाते हैं, देखते हैं भाई लुक कैसा आ रहा है अपनी हेलमेट का। अरे सेटिस्फैक्शन। सो मुझे इस वाइजर को लगाने में कम से कम आधा घंटा लग गया। इसको निकालना बहुत इजी था, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है ना वो समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब जब समझ में आ गया तो 1 मिनट में लग गया। सो अभी फटाफट से निकलते हैं मिस्टी सीकर के पास एंड वहाँ पे जाके अपने फॉग लैम्प को इंस्टॉल करवाते हैं एंड उसके बाद जाएंगे श्याम मोटर्स। वहाँ से जाके मुझे एक 3M का माउंट लेना है गोप्रो के लिए। सो चलो अभी निकलते हैं, बाइक पे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है यार। सो भाई निकलते निकलते अपने को हो गए 4:30। एंड ये देखो भाई क्या हाल हुआ पड़ा अपने बाइक का। इतने सारे भाई 3M की टेप लगाई है मैंने। सो भाई ये जो इंडिकेटर है ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, नो डाउट। बट इसका ये जो गम है ना ये मुझे भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो अगर आप लोग भाई ये वाले इंडिकेटर्स को इंस्टॉल करवा रहे हो सो मेक श्योर कि भाई यहाँ पे एक अच्छी सी आप जो गम आती है ना वो यूज़ करो, सो डैट ये परमानेंट फिक्स रहे। सो कल रात वैसे मैंने इसको साफ़ कर दिया था एंड चेक करो यार बहुत मेहनत लगती है ब्लैक बाइक को चमकाने के लिए। सो उसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है। अभी आप एलॉयज़ ये ऐसे देख रहे हो ना, बट अभी जब मैं इसे ला के आऊँगा ना इतने ज़्यादा गंदे रहेंगे ना सो इसको हर राइड के बाद मुझे साफ़ करना पड़ता है। एंड ये वाला वाइजर लगाने के बाद राइड करने में बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब बाहर से लोगों को पर्पल शेड दिख रहा होगा बट अंदर से यार पूरा गोल्डन गोल्डन हो गया है। एंड भाई अब कितनी भी धूप हो ना सो अब मेरे को टेंशन नहीं है बाइक चलाने में। बस हाँ मुझे आते वक्त भाई रात हो जाएगा सो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बट बाकी सब ऑल फाइन। भाई साहब साउंड, बाइक, हेलमेट, मतलब हर चीज़ को इतनी ज़्यादा अटेंशन मेरे को मिल रही है ना अब भाई प्रॉपर मैं बाइकर लग रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं रोड ट्रिप की। तो पहले रोड ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं सिक्किम एंड सिक्किम का हम लोग पूरा भाई एक्सप्लोर करेंगे। मतलब लाचुंग, लाचेन, जीरो पॉइंट, जहाँ तक जाने को मिलेगा वहाँ तक जाएंगे। मतलब हाँ गुरदोंगमर लेक नहीं जाएंगे बट हाँ जीरो पॉइंट तक तो भाई पक्का जाएंगे। एंड देखते भाई अपनी R15M जा पाती है नहीं जा पाती है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना वहाँ से सिर्फ चाइना 50 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड भाई वहाँ पे मैंडेटरी आपके पास वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट होना ही चाहिए। सो जो कि मेरे पास दोनों नहीं है। एंड वोटर ID कार्ड भाई मैंने लगभग 20-25 दिन पहले अप्लाई कर दिया था एंड उन्होंने बोला था कि 15 दिन के अंदर आ जाएगा बट आज भाई 25 डेज हो चुके हैं एंड कोई अता पता नहीं है वोटर ID कार्ड का। सो अभी भाई हम लोग थोड़ा सा फोर्स डाल रहे हैं कि भाई जो भी हो सके मुझे वोटर ID कार्ड चाहिए एनी हाउ, बिकॉज अगर वोटर ID कार्ड नहीं ना हुआ तो भाई रोड ट्रिप भाई बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। मतलब रोड ट्रिप कैंसिल तो मैं नहीं करूँगा बिकॉज अभी मेरे साथ जा रहा है कमल एंड एक और फ्रेंड है। सो हम लोग 3 लोग जा रहे हैं, 2 रॉयल एनफील्ड होगी, एक R15M होगी। सो उन लोग से बात हुई है। सो वो लोग बोल रहे हैं रोड ट्रिप भाई कैंसिल नहीं होगा, जब तेरा वोटर ID कार्ड आएगा तब जाएंगे बट प्लान जो है वो तो भाई रहेगा ही रहेगा। सो ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक ली, अभी मेरा सैंडविच बन जाता, आगे भी बस पीछे भी बस। उन लोग से थोड़ा दूरी रहो तो सही है। रोड ट्रिप तो भाई होके रहेगी, बस ये दुआ करो भाई कि जल्दी से मेरी वोटर ID कार्ड आ जाए एंड मैं भाई यहाँ से निकलूँ। एंड और भी बहुत सारी भाई एसेसरीज आने वाली हैं जो कि भाई रोड ट्रिप पे मैं यूज़ करूँगा। एक चीज़ मैंने ज़रूर एक्सपीरियंस की है कि RS 200 ने मुझे बनाया है बट R15 ने मुझे चमकाया है। मतलब अगर ये बाइक मैं नहीं लेता एंड आप लोग का अगर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं होता ना सो भाई ना ही मैं रोड ट्रिप पे जा पाता एंड ना ही मुझे भाई स्पॉन्सर्स मिलते। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। एंड R15 ले जाने का रीज़न ये है कि भाई बहुत हल्की चलती है, बहुत स्मूथ चलती है, कोई टेंशन नहीं होता है। बट RS 200 भाई इतनी लाइट वेट नहीं चलती है एंड उसमें पावर बहुत ज़्यादा एंड ब्रेकिंग बहुत बेकार है। मैं BS3 की बात कर रहा हूँ एंड इसमें तो भाई ब्रेकिंग एक नंबर है एंड ABS भी भाई बहुत सही काम करता है इसका। एंड मेरी वाली RS 200 में तो भाई ABS भी नहीं है सो वो थोड़ा सा भाई रिस्की हो जाएगा पहाड़ों पे। भाई हम लोग पहुँच चुके हैं श्याम ऑटोज़। तो भाई सीन ऐसा है कि माउंट हमने ले लिया एंड वापस अब जा रहे हैं मिस्टी सीकर के पास। फॉर्चुनर लगी हुई थी एंड एक WRV लगी हुई थी भाई, वो भी हट गई। एंड अब भाई फटाफट से फॉग लैम्प इंस्टॉल करवाते हैं एंड देखते हैं भाई इसको लगाने के बाद इसका लुक्स कैसा आता है कैसा नहीं। ट्रस्ट में जब मैंने सोचा था ना कि मैं अपने बाइक पे फॉग लैम्प लगवाऊंगा तब मैंने सोचा था कि भाई इसकी लुक ख़राब हो जाएगी और उतनी ज़्यादा शार्प नहीं दिखेगी बट ये चेक करो गाइस कितनी ज़्यादा सेक्सी लग रही है यार। एंड ये वाला जो लुक है ना भाई येलो वाला वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। एंड जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था ये येलो भी है प्लस वाइट भी है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फॉग लैम्प की वीडियो भाई दिन में क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज इसका जो इंस्टॉलेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद मैं आपको रात वाली वीडियो भी दिखा दूँगा इसी वीडियो में, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले भाई यहाँ पे एक लोहे की पत्ती लगती है, ठीक है, और उसको एल शेप में बेंड किया जाता है हथौड़े से मार के। सो जैसे आपकी बाइक आप वैसे एडजस्ट कर सकते हो, इसके लिए एल शेप चाहिए था तो एल शेप करवा दिया हमने। एंड ये वाला जो भाई पत्ती है इसको भी भाई ब्लैक कलर का पेंट कर दिया था सो डैट भाई बाइक से मैच करे, अगर अलग से लगती तो बहुत ख़राब लगता। एंड दिस इज़ द ब्रांड HJG एंड ये HJG का फॉग लैम्प है। एंड भाई नाइट में विजिबिलिटी एक नंबर है, नो डाउट, मज़ा आ जाता है। एंड जैसा कि भाई मैंने अपनी मेन हेडलाइट का स्विच यहाँ पे लगवाया हुआ है, सो फॉग लैम्प का स्विच भाई यहाँ पे लगा हुआ है। एंड यू कैन सी द वायरिंग थोड़ी सी आपको दिखेगी बिकॉज मुझे स्विच यहाँ पे लगवाना था। एंड अगर मैं यहाँ पे लगवाता ना तो भाई ये वाला लुक बहुत ख़राब हो जाता, सो मैंने इसको यहाँ पे स्विच लगवाया। एंड इसको देखो, अगर आप इसको मिड में करोगे तो ये फॉग लैम्प ऑफ हो जाएंगे। एंड जैसे आप इसको राइट साइड करोगे तो भाई ये हो जाएंगे येलो। एंड देन आप इसको लेफ़्ट साइड स्विच करोगे तो भाई ये वाइट हो जाएगी। देखो बहुत प्यारी लुक आ रही है यार। एंड फॉग लैम्प भाई जितना कॉम्पैक्ट है ना उतना अच्छा है, मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने देखा ना बोला इसके साइज़ पे जाने का नहीं है। मतलब कैसे इन्होंने एक छोटे से लैम्प में वाइट भी डाल दिया, येलो भी डाल दिया। वाइट इज़ फॉर अपर एंड येलो जो है वो भाई डिपर की तरह काम करता है, बिकॉज येलो लगाने से ऐसा होता है ना कि ऑफ रोडिंग का जो पैच होता है, जैसे कोई भी पोर्टल्स हो गए, स्पीड ब्रेकर होगा, वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। एंड जब इस पर वाइट ऑन करूँगा तो वो भाई स्ट्रेट दूर फेंकेगा सो डैट आप इजीली भाई सामने वाले व्हीकल को देख सको ऑन दी हाईवे। एंड मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इट्स नॉट लीगल इन दिस सिटी, सो मेक श्योर कि जब आप सिटी पे चल रहे हो तो इसको भाई ऑफ करके ही चलो, बिकॉज सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाले की आँख पर ये लगा तो भाई कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. सो भाई फाइनली मुझे एक अंधेरी वाली गली मिल चुकी है। एंड यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, जिस रोड पे मैंने सिनेमैटिक शूट किया था वहाँ पे भाई ट्रैफिक कम था, बट ये एक सेफ़ लोकेशन है जहाँ पे मैं आपको ट्रायल करके दिखा सकता हूँ। सो भाई फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको येलो लाइट जला के दिखाता हूँ। एंड अभी देखना आपको भाई सामने आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये देखो पूरी अंधेरी वाली गली है। एंड यस देख सकते हो। एंड इसको लगाने के बाद भाई लुक और ज़्यादा शार्प हो गया है, और ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। एंड येलो लाइट का थ्रो भाई इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि अब कोई टेंशन नहीं है भाई, जितना भी रोड में पैचेस होंगे ना कोई इशू नहीं आएगा मुझे। एंड अब मैं आपको जला के दिखाता हूँ वाइट कलर। सो दिस इज़ मैन वाइट LED। एंड अगर मैंने मेन हेडलाइट ऑन कर दी तो और ज़्यादा लाइट बढ़ जाएगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई इतनी ज़्यादा शार्प हो गई है ना, एंड एकदम दूर तक लाइट मारती है। मुझे पता है कैमरा ज़्यादा जस्टिस नहीं कर रहा होगा, बट सीरियसली बहुत अच्छा लाइट देती है। सो टाइम हो चुका है अभी 11:21 एंड फाइनली हम लोग सही सलामत पहुंच चुके हैं घर। शूट खत्म कर लिया, बस थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि भाई फॉग लैम्प जला के शूट कर रहा हूँ, अगर भाई पुलिस वाले देख लेते ना भाई बहुत लंबा चालान करता। एंड फॉग लैम्प भी वो लोग रख लेते। सो भाई बड़ी मुश्किल से तो फॉग लैम्प आया है, 10-15 दिन लग गए उसको यहाँ तक आने में, एंड प्लस स्पॉन्सर है। सो चला जाता तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होता, बट फाइनली ये काम मैं आपको बोलूँगा आप लोग बिल्कुल भी मत करना। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को फॉग लैम्प कैसा लगा, एंड बाइक की लुक्स भाई आप लोगों को अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, जैसी भी लग रही है बता देना। एंड जो भी भाई इंटरेस्टेड है ऐसे प्रोडक्ट्स लेने के लिए, एसेसरीज़ लेने के लिए, या यही वाला फॉग लैम्प चाहिए तो जस्ट गो टू द इंस्टाग्राम, सर्च दर्पण सरवन स्टोर। आप उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाओ, उनको बताओ मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। सो बस उसके बाद आपको पेमेंट करना एंड आपका ट्रैकिंग नंबर आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा। सो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। एंड जल्दी से भाई 10K सब्सक्राइबर करवा दो ताकि जो मैं गिव अवे अनाउंस कर चुका हूँ उस गिव अवे का एक विनर जल्दी से जल्दी मिल जाए। एंड जिन लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया भाई जाके फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो चलो गुड नाइट, आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जिंदगी जियो हंसते हंसते, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, साइनिंग ऑफ कबरू, बाय, राइड हार्ड एंड राइड सेफ।